टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टीम ने 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 335 ग्राम मेफेड्रिन नामक नशीला पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 67 लाख रुपए बताई जा रही। गिरफ्तार किए गए आरोपी के नाम है मोहम्मद आसिम आलम, 36 वर्षीय, और दूसरे आरोपी का नाम है प्रदीप आत्माराम गायकवाड़, 38 वर्षीय, और तीसरा जो आरोपी है ये नाइजीरियन नागरिक है, इसका नाम है इमनेल टोचेक उमेहा, 40 वर्षीय। ये नवी मुंबई के खारघर से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मुंबई के आज़ाद मैदान यूनिट को जानकारी मिली थी कि 11 अगस्त को मुंबई के कमाठीपुरा लेन नंबर 7 पर एक व्यक्ति नशीला पदार्थ बेचने के लिए आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर घेराबंदी की और इस घेराबंदी के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसके पास से MD बरामद किया गया। इसका नाम है मोहम्मद आसिम आलम और इसके पास से 253 ग्राम MD बरामद हुआ। पूछताछ में इसने MD लेने के बाद प्रदीप आत्माराम गायकवाड़ का नाम बताया। इन दोनों के बीच में जो सौदेबाजी हुई थी उसकी बाकी की रकम लेने के लिए आसिम आलम ने प्रदीप गायकवाड़ को बुलाया। डंकन रोड के पास लेन नंबर 14 पर जब कमाठीपुरा की गली में जैसे ही प्रदीप पहुंचा, पहले से ही मौजूद पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया और इसके पास से 2 ग्राम MD भी बरामद किया गया। अधिकारियों ने जब दोनों आसिम और प्रदीप से पूछताछ की तो ये भी जानकारी सामने आई कि ये दोनों नवी मुंबई के सेक्टर नंबर 20 में एक नाइजीरियन नागरिक है, जिसके पास ही MD लिया करते थे। पुलिस की टीम ने दबिश देकर यहां से इस नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया और इन तीनों पर नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंशन 1985 की धाराओं के तहत एंटी नारकोटिक सेल आज़ाद मैदान इकाई द्वारा इन तीनों पर मामला दर्ज कर इन्हें बहरहाल गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।